स्वागत है आपका ड्राइव स्पार्क में। मैं हूं प्रोमीत और आज हम चला रहे हैं द BMW X4। अब ये जो है ये M स्पोर्ट वेरिएंट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि हम आपको इस SUV के बारे में सब कुछ बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के फ्रंट एंड के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा BMW का अडैप्टिव LED हेडलैम्प यूनिट। यहाँ पे आपको मिलते हैं इसके DRLs जो कि सर्कल में है, हाफ सर्कल में, और यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर मिलता है। हाई बीम और लो बीम दोनों LED हैं। नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉग लैम्प यूनिट मिलेगा जो LED है और काफ़ी ब्राइट है। अब क्योंकि ये M स्पोर्ट वेरियंट है तो इसको एक अग्रेसिव बम्पर मिलता है जिसके यहाँ पे वेंट्स दिए गए हैं, मतलब काफ़ी डक्ट्स दिए गए हैं जिससे वेंट चैनल, जिससे सिंस ये एक M स्पोर्ट वेरियंट है तो इसका जो बम्पर है वो काफी अग्रेसिव है। और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ वेंट्स दिए गए जिससे एयर जो है वो चैनल होती है इन डक्ट्स के थ्रू। यहाँ पे आपको मिलता है ग्रिल जिसके चारों तरफ थोड़ा सा क्रोम मौजूद है, और ये जो ग्रिल है ये एक्टिव ग्रिल है। तो क्या होता है, जब गाड़ी को ज्यादा हवा चाहिए होती है तो अंदर जो डक्ट्स हैं ग्रिल के वो बीच में है वो खुल जाते हैं ताकि और हवा का एक्सेस हो जाए, इंजन ठंडा हो जाए जब वो सेंस करता है कि हवा उसको नहीं चाहिए ज्यादा। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि गाड़ी सामने से काफी मस्कुलर है, बोल्ड है, और उस चीज को और प्रोमिनेंट करने के लिए कंपनी ने यहाँ बोनेट पे इसको ये लाइंस और क्रीजेस दिए हैं जिससे गाड़ी और भी ज्यादा बोल्ड लगती है फ्रंट एंड से। तो आइए बात करते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल के बारे में। और यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस करोगे इसको मिलता है M का बैज यहाँ पे फेंडर पे, क्योंकि M स्पोर्ट वेरिएंट है तो M का बैज। के ठीक नीचे आपको वेंट्स मिलेंगे जो कि फेक हैं बट काफ़ी कूल लगते हैं। बॉडी कलर ORVM विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, बॉडी पे लाइन ऑफ जो कि फेंडर से चालू होता है और ऑल द वे टेल लाइट तक जाता है और एंड होता है, काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सटल है, उतना ज़्यादा डीप भी नहीं है। ओवरऑल देख सकते हैं बॉडी कलरिंग जो है वो ग्रे कलर में फिनिश है और काफ़ी अच्छी लग रही है। विंडो के चारों तरफ आपको लगेगा कि क्रोम है बट ये ब्रश्ड सिल्वर या फिर ब्रश्ड एल्युमिनियम आप बोल दे वो फिनिश है। ऊपर की तरफ रूफ रेल है जो कि फंक्शनल है, वो भी सेम ये जो ये विंडो की तरफ जो ट्रिम है उसी में फिनिश्ड है। एंड इस पे आप लगेज कैरियर पे आप आराम से लगेज माउंट कर सकते हैं अपना लगेज कैरियर डाल के। एंड आपको यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि आपको मिलते हैं ये ब्यूटीफुल 19 इंच के अलॉय व्हील्स, और ये M डिवीजन से आपको M व्हील्स भी M से मिलेंगे, और कैलिपर्स आगे पीछे आप देख सकते हो ब्लू कैलिपर्स जो कि M स्पोर्ट के कैलिपर्स हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो गाड़ी साइज से काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है। एंड ये जो टायर्स है इस पे ब्रिजस्टोन के टायर्स, इनका प्रोफाइल है 245/50R19। डीसेंट अमाउंट ऑफ ग्रिप है, टायर थोड़े से ज़्यादा बेटर हो सकते हैं कि गाड़ी बड़ी है, फास्ट है और थोड़ी सी भारी है। स्टॉपिंग पावर है बट टायर अपग्रेड ज़रूर करिए अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं तो। अदरवाइज आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस X4 का साइड प्रोफाइल कैसा लगा। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के रियर प्रोफाइल के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि इसको मिलता है एक स्लीक सा टेल लैंप यूनिट। अब ये टेल लैंप यूनिट जो है दो हिस्सों में बटा हुआ है, आधा जो है बॉडी में है, आधा बूट में है। यहाँ पे आपको X4 की बैजिंग मिलती है और वहाँ पे एक्स ड्राइव और था TD। एक्स ड्राइव का मतलब ऑल व्हील ड्राइव। यहाँ पे आप कुछ एलिमेंट्स देखेंगे जैसे कि ये जो है ये एक स्पॉयलर टाइप का लगता है बट एलिमेंट काफ़ी अच्छा है, स्पॉयलर नहीं है बट ये गाड़ी के लुक्स को थोड़ा एनहांस करता है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटेना मिलेगा, यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा, अडैप्टिव गाइडलाइंस, सेंसर्स, क्या नहीं, मतलब आप इस गाड़ी को बहुत ही सेफली एक टाइट पार्किंग स्पेस में पार्क कर सकते हैं। एंड गाड़ी की स्पोर्टीनेस को और बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं इसको दिया है ये डुअल टिप एग्जॉस्ट, बोथ आर फंक्शनल, कोई भी फेक नहीं है उसमें से। अब आइए चलते हैं गाड़ी के बूट के बारे में बात करते हैं। तो बूट को खोलने के लिए आपको एक सिंपल सा वो फ्लिप करना है एंड बूट अपने आप खुल जाएगा। सबसे अच्छा फीचर है क्योंकि इसमें मेहनत नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपको मिलता है 525 लीटर का बूट स्पेस। अगर आपको और जगह चाहिए यहाँ पे तो 60-40 स्प्लिट अवेलेबल है, आप कोई भी साइड फोल्ड कर दीजिए आपको जिस हिसाब से जितनी जगह चाहिए और आपको और जगह मिल जाएगी। बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है, इसको दबाइए बूट अपने आप बंद हो जाएगा। तो हाँ जी, ये था X4 का रियर एंड। तो अब हम आ चुके हैं गाड़ी के फ्रंट सीट पे, और सबसे पहले आपको बताऊंगा गाड़ी में घुसते ही गाड़ी काफी ज्यादा स्पेशियस है, स्पेशली इसको जो ये पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है आगे से लेके पीछे तक पूरा खुलता है। तो वो जो है गाड़ी में ऐसे आप एंटर करते हो आपको दिखता है ये, और आप लगते हैं कि गाड़ी में और ज्यादा स्पेस है और स्पेशियस है। एक्चुअली ये काफी एरी और स्पेशियस बना देता है गाड़ी को क्योंकि एक बहुत बड़ा पैनोरमिक सनरूफ है। आपको मिलता है यहाँ पे 10.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, टच ऑब्वियसली
टच इज फैंटास्टिक, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। एंड यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे इसको मिलता है ठीक नीचे एक इसका क्लाइमेट कंट्रोल, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल, 2 आगे हैं, 1 पीछे की तरफ है जो आप पीछे से भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ठीक नीचे एक ट्रे मिलता है, X4 की बैजिंग, वायरलेस चार्जिंग, कप होल्डर्स वगैरह वगैरह, आई ड्राइव कंट्रोलर, सब स्पोर्ट्स मोड्स के सिलेक्टर्स यहाँ पे है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो कि फुल्ली डिजिटल है, ये आप कॉन्फिगर कर सकते हैं और इसका कलर भी चेंज होता है आप मोड के अकॉर्डिंगली। इको में अगर आप चलाएंगे तो ब्लू हो जाएगा, कंफर्ट में चलाएंगे तो एम्बर हो जाएगा, और अगर आप स्पोर्ट पे चलाएंगे तो वो रेड हो जाता है। एंड उसके डायल्स भी थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है, आप अपने हिसाब से भी उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल एकदम सही जगह पे है, आपको रोड पे ही फोकस रखेंगे आप, बार बार आपको यहाँ वहाँ देखने की जरूरत नहीं है। और उसकी बात करते हुए आपको बताऊंगा कि इसको एक हेडसअप डिस्प्ले भी मिलता है जो कि बहुत अच्छा है, एंड वो हेडसअप डिस्प्ले आप कॉन्फिगर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत कुछ दिखता है, किसी का फ़ोन आ रहा है आपको गाने चेंज करने, तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है जो बिल्कुल ड्राइवर को रोड से फोकस हटाने ही नहीं देता है। तो वो एक्चुअली एक मैं मस्ट नहीं, दैट इज़ एक्चुअली अ मस्ट फीचर दैट शुड बी देयर, बिकॉज उससे सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपको डोर पे आप देख सकते हैं सॉफ्ट टच तो एक तो चारों तरफ मौजूद है, और डोर पे आपको ये ब्रश्ड एल्यूमिनियम के फिनिशेस और एक्स की बैजिंग वगैरह मिलती है, हार्मन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम है। ओवरऑल बात करें सीट्स की तो सीट्स कंफर्टेबल हैं, थोड़ा सा कुशनिंग इसमें और ज़्यादा होता तो अच्छा होता, बट सीट आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एडजस्टेड है, ड्राइवर साइड के साइड ही सिर्फ मेमोरी दी गई है सीट मेमोरी, और यहाँ पे एक जो बटन देख रहे हैं आप ये साइड लैटरल सपोर्ट के लिए, तो अगर आप इसको और ज़्यादा आप चाहते हैं कि सीट आपको पकड़ के रखे तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि आप जब कॉर्नर कर रहे हो तो आप सीट से बाहर ना स्लिप करें, तो उसलिए दिए गए हैं। तो आइए चलिए अब चलते हैं पीछे की तरफ और मैं आपको उसके बारे में और बताता हूँ। तो अब मैं आ चुका हूँ रियर सीट पे, और ये जो आगे वाली सीट है ये मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मैं 6'2" का हूँ। उसके बाद भी आप देख सकते हो कि मेरे पास यहाँ पे काफ़ी स्पेस है नी रूम के लिए, थोड़ा सा अगर थोड़ा और आगे जाएंगे तो हो सकता है टच कर जाए, बट सीट जो है वो स्कूप्ड है तो उससे उतना दिक्कत नहीं होगा। हेडरूम भी काफ़ी डिसेंट है, एंड यहाँ पे आपको ये जो मैं बता रहा था 3rd जोन क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पे मिलता है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो। उसके ठीक नीचे आपको टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, अब पता नहीं टाइप सी क्यों देते हैं, हर कोई टाइप सी लेके नहीं चलता है। एनीवे रेगुलर दे देंगे तो आपको इजी पड़ेगा आप अपने घर से चार्जर, और वैसे भी इसमें वायरलेस चार्जिंग है तो एनीवे वो भी वायरलेस चार्जिंग हर एक के फोन में नहीं होता है, बट वो दिया है फीचर बहुत बढ़िया, बट इनको रेगुलर सॉकेट देना चाहिए। एक्चुअली रेगुलर सॉकेट सिर्फ आ गई है और कहीं है भी नहीं, बट हाँ एसी वेंट दिए गए हैं, और यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें 2 कप होल्डर है, तो आप जैसे 4 लोग जा रहे हैं तो आप इसे डिप्लॉय कर लीजिए और आराम से बैठ सकते हैं। अगर आप लोग 3 लोग पीछे बैठे तो जो बीच में है उसको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, बिकॉज जो ट्रांसमिशन टनल है वो पूरा ऐसे सेंटर से जा रहा है, बिकॉज ऑल व्हील ड्राइव है, तो उसको जो है पैर ऐसे फैला के बैठने होंगे। तो आई होप मतलब 5 लोग आराम से जा सकते हैं, बट 4 लोग बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली जा सकते हैं इसमें। एंड डोर पे भी वही सेम फिनिशिंग है जो था ग्रे, और ये एक्स की बैजिंग वगैरह दी, और सॉफ्ट टच भी मौजूद है, तो ओवरऑल रियर काफ़ी कंफर्टेबल है। और सीट के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा, यहाँ आप देख सकते हो ये एक बटन है, तो इससे जो है आप सीट हल्का सा रिक्लाइन कर सकते हैं पीछे, अब काफ़ी थोड़ा ज़्यादा नहीं है, बट हाँ ये फीचर भी अच्छा है। तो अब हम आ चुके हैं ड्राइविंग सीट पे X4 की, और इसका एक क्विक इंजन ब्रीफ मैं आपको दूंगा। तो ये जो गाड़ी है ये पावर होती है एक 3 लीटर 6 सिलेंडर टर्बोचार्ज डीजल इंजन से, जो कि प्रोड्यूस करता है 265 BHP ऑफ पावर एंड 620 Nm ऑफ टॉर्क। अब टॉर्क जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, थैंक गॉड ये 4-व्हील ड्राइव है, अदरवाइज ट्रैक्शन कंट्रोल तो इस गाड़ी का पकड़ा ही जाता, इसको ट्रैक्शन दे देंगे, बिकॉज अगर ये फ्रंट व्हील ड्राइव होती या रेयर व्हील ड्राइव होती तो इसको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता, बिकॉज टॉर्क ऑन ऑफर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड बात करें गियर बॉक्स की, तो ये जो गियर बॉक्स है ये एक 8-स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है जो कि काफ़ी फास्ट है, काफ़ी क्विक है, मैनुअल मोड भी है इसमें, और आपके पास पेडल शिफ्टर्स भी हैं। अगर आप फास्ट जा रहे हैं, आप रेस कर रहे हैं किसी को, तो आपको यहाँ पे इसे शिफ्ट करने में बड़ा आपको हेल्प होगा, मदद मिलेगी। एंड बात करें इसकी एक्सेलरेशन की, तो अराउंड 0 to 100 हम लोगों ने क्लेम नहीं किया, बट अप्रॉक्सीमेटली 0 to 100 इज़ अराउंड 6.5 सेकेंड्स, लेकिन अगर ये गाड़ी को फ्लोर करोगे तो ये भागती ज़रूर है, आई मीन दिस थिंग मूव्स। आप अगर इसको फ्लोर करेंगे, एंड ये मैं अभी इको मोड में हूँ, वैसे इको मोड में रहें या फिर किसी भी मोड में रहें, एक बार आप फ्लोर करते हैं तो गाड़ी समझ जाता है कि आपको
फुल पावर चाहिए तो आपको फुल पावर प्रोवाइड करता है। एंड 620 एनएम ऑफ टॉर्क, कुछ ज़्यादा ही टॉर्क है और उसके वजह से ये जो है गाड़ी इतनी बड़ी है एंड ये इतने मजबूत तरीके से पुल होती है। अब मैं स्पोर्ट मोड में एक बार पुल करूँगा। अभी हम कर रहे हैं 20 किलोमीटर एन आर एंड मैंने फ्लोर किया। I mean, 100 तो हम शायद ऐसे ही पहुंच गए बट डेफिनेटली ये एक काफ़ी फास्ट कार है ये, तो कि डीजल गाड़ी है बट आई मीन काफ़ी फास्ट है। डेफिनेटली आप एक बार इसके टायर्स, ग्रिप है, मैंने पहले भी बोला था आपको ग्रिप है, बट एक बार आप इसके टायर्स को ज़रूर देख लीजिएगा आप खरीदने से पहले, क्योंकि गाड़ी काफ़ी हैवी है, रुक तो जाती है बट थोड़ा सा और अगर ग्रिप मिल जाता ना तो अच्छा था। कि देखिए कैलिपर्स भी एम के तरफ से है, व्हील्स भी एम के तरफ से है, सस्पेंशन का जो सेटिंग है वो नहीं है एम के तरफ से, बट सस्पेंशन सेटिंग में आपको एक चीज़ मिलता है, आपको मिलता है आप जैसे ही स्पोर्ट में डालते हो थोड़ा सा स्टिफन अप हो जाता है गाड़ी। एयर सस्पेंशन नहीं है बट आप इको पे डालेंगे तो हल्का सा स्टिफ हो जाएगा, आप कम्फर्ट पे डालेंगे तो नॉर्मल मतलब थोड़ा सा और हल्का हो जाएगा, एंड आप स्पोर्ट पे डालेंगे तो कम्प्लीट स्टिफन हो जाएगा। एंड सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं, ये स्टेयरिंग व्हील भी जो है वो स्टेयरिंग व्हील भी जो है लाइट और हैवी होता रहता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो गाड़ी काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्पेशियस है एंड सस्पेंशन इसका काफ़ी अच्छा है। आप इको मोड पे चलाइए आपको समझ में नहीं आएगा। इंजन से कोई नॉइज नहीं है, डीजल इंजन है 3 लीटर का, मानेंगे नहीं कि कोई नॉइज नहीं इंजन से। इंसुलेशन लेवल इतना अच्छा है गाड़ी का, मैं आपको खिड़की खोल के दिखाता हूँ, आप ये देख रहे हैं। अब बगल में वॉल, चलिए वॉल की तरफ से आवाज़ रिबाउंड होगी, मैं फ्लोर करता हूँ, आप सुनाई दी आपको सस्पेंशन मतलब काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल एक बड़ा थम्स अप है दोस्तों, इंसुलेशन लेवल बहुत अच्छा है, बाहर की नॉइज अंदर नहीं आने देता है, मेरी तरफ से बहुत बड़ा थम्स अप है। आई जस्ट रियली लाइक दी X4, काफ़ी पावरफुल गाड़ी है, काफ़ी स्पेशियस गाड़ी है एंड अगर आप धीरे चलाना चाहें तो धीरे भी चलती है, आप अगर फास्ट चलाना चाहेंगे तो फास्ट भी चलती है ये। तो ये थी BMW की X4 एंड आई होप मैंने ये गाड़ी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी। आपको अगर गाड़ी के बारे में कुछ और जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और हम लोग आपको उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे सारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं प्रमित साइन आउट करता हूँ, सी यू नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बी सेफ। We'll be right back.